हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के बारे में बता रही हूँ, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, इस टॉपिक में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऐसे वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी यानी इसका कहते हैं प्राणी गतिकी या पेशीय विज्ञान। ठीक है, एंड बायोमैकेनिक्स को क्या बोलते हैं, जो यांत्रिकी यानी प्राणी यांत्रिकी विज्ञान। तो किनेसियोलॉजी के बारे में सबसे पहले मैं जानूंगी। तो किनेसियोलॉजी, जिसको प्राणी गतिकी या पेशी विज्ञान कहते हैं, और इस किनेसियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुआ है, और इस किनेसियोलॉजी का अर्थ होता है गति का अध्ययन करना। यानी कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, किनेसिस प्लस लोगस। किनेसिस का अर्थ होता है गति और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार दोनों मिलाकर के क्या हुआ, गति का अध्ययन। इस प्रकार किनेसियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो गति का अध्ययन है। तो इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए जो है, एक जो किनेसियोलॉजी है प्राणी गति की विज्ञान की शाखा है। ठीक है, जिसमें किसकी शाखा है, प्राणी गति की विज्ञान की किनेसियोलॉजी शाखा है, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, प्राणी के शरीर की गति के विषय में अध्ययन किया जाता है। बस इतना सा डिफरेंट है किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स में। ठीक है, किनेसियोलॉजी में प्राणी के शरीर की गति का अध्ययन किया जाता है, जबकि बायोमैकेनिक्स में प्राणी यांत्रिकी विज्ञान में कि प्राणी के साथ साथ उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की भी गति का अध्ययन किया जाता है। बस इतना डिफरेंस है कि किनेसियोलॉजी में मानव प्राणी, जिसमें प्राणी के शरीर की गति के विषय में अध्ययन किया जाता है, हमारे शरीर में विभिन्न गतियां कैसे होती है, एंड बायोमैकेनिक्स में यानी जो यांत्रिकी में मानव शरीर की गतियों के साथ साथ उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों का भी की भी गतियों का अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स में क्या अंतर है। तो दोस्तों, किनेसियोलॉजी में आप तो समझ गए कि इसमें प्राणी के शरीर के गति के विषय में, जिसमें यह होता है कि शरीर की बनावट, मांसपेशी, हड्डी, हमारे जोड़ जो है वो कैसे कार्यरत होते हैं, उनमें कैसे गति उत्पन्न होती है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह कह सकते हैं कि प्राणी का शरीर किस प्रकार बल पैदा करके शरीर को गति प्रदान करता है, यानी कि हमारे प्राणी का जो शरीर है वो किस प्रकार, यानी किस प्रकार बल पैदा करके शरीर को गति प्रदान करता है, इसी का अध्ययन किनेसियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, एंड किनेसियोलॉजी के पिता कौन है, इसकी खोज किसने की है, ये तो सवाल मन में उठता ही होगा। तो इसके खोज करता है अरस्तु, जैसा कि सबको पता होगा। एंड अरस्तु को गति विज्ञान का क्या कहता है, जनक माना जाता है। इन्होंने 300 ईसा पूर्व में इसकी खोज की, और ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने ये बताया कि मानव संचालन का बहुत अधिक इनको क्या थे, पहले मतलब ऐसे चिकित्सक थे जिनको मानव संचालन, अंग संचालन का बहुत अधिक ज्ञान था अरस्तु जी को। एंड गेलन एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 130 से 210 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि मानव पेशियों में संकुचन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव पेशियों में संकुचन होता है, ये बहुत कल्पना जनित क्वेश्चन है। कभी आपके मन में सवाल आया होगा कि हमारी पेशियां तो संकुचित होती हैं, इसको तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले इसको किसने बताया, तो गेलन ने बताया कि हमारी मांसपेशियां संकुचित होती हैं। इस चीज को सबसे पहले गेलन नामक वैज्ञानिक ने बताया। दोस्तों, इसी संबंध में लियोनार्डो द विंसी ने कहा था, यानी किनेसियोलॉजी के संबंध में इन किस लोगों की परिभाषाएं हैं। तो लियोनार्डो द विंसी ने कहा था कि जो उतरता है यानी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर जाता है ढलान पे, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे पग लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि उसके शरीर का भार जो है पिछले पैर पर होता है। ठीक है, और जब वो चढ़ता है ऊंचाई पर तो वह लंबे लंबे पग लेता है, क्योंकि उसका जो शरीर का भार होता है वो अगले पैर पे होता है। ठीक है,
तो क्या करना था लियोनार्डो दा विंची का, कि जो उतरता है वह छोटे पग लेता है क्योंकि उसके शरीर का भार पिछले पैर पे होता है, जैसा कि आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। एंड जो चढ़ाई चढ़ता है, ऊंचे स्थानों पर चढ़ता है, वो लंबे लंबे पग लेता है क्योंकि उसके शरीर का भार अगले पैरों पर होता है। ठीक है, तो उतरते समय हमारे शरीर का भार पिछले पैरों पर होता है और चढ़ते समय हमारे शरीर का भार अगले पैरों पर होता है। ठीक है, एंड जॉन हंटर ने 1723 इनका जीवन काल है, तो जॉन हंटर ने कहा था, इन्होंने पेशी गति पर पेशी कार्य का उद्गम और निवेशन के बारे में बताया था। उद्गम और निवेशन के बारे में किसने बताया था? जॉन हंटर ने। ठीक है, कि हमारे पेशियां कहाँ उद्गम होता है, मतलब शुरुआत कहाँ होता है, निवेशन यानी कहाँ पे गति करती है, ठीक है, कहाँ पे अंतिम छोर होता है, इस चीज के बारे में इन्होंने जॉन हंटर ने बताया। पेशी आकार और पेशी रेशो फाइबर की व्यवस्था का वर्णन इन्होंने किया। तो पेशी में संकुचन होता है, इसको गिरन ने बताया, एंड पेशी का उद्गम और निवेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, इसको जॉन हंटर ने बताया। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। एंड एम्बोलिक ने कहा था, यह नियम एम्बोलिक ने कहा था गति की मात्रा को बताते हुए, कि एक गतिहीन शरीर नष्ट हो जाता है और स्थिर जल की भांति वो सड़ जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत टिपिकली मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो एक गतिहीन शरीर नष्ट हो जाता है और स्थिर जल की भांति वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो इस चीज को बताया है एम्बोलिक ने। ठीक है, यह नियम एम्बोलिक ने इस गति को मात्रा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बताया कि किसी अंग का, जैसे कि उनका कहना है कि एक गतिहीन शरीर नष्ट हो जाता है और स्थिर जल की भांति वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि बहता हुआ जल आपने देखा होगा, कभी वो सड़ता नहीं है, गंदा नहीं होता है, वही जल जब स्थिर हो जाता है तो उसमें कीड़े मर जाते हैं, गंदा हो जाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी कार्य करता है, जिस अंग का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वो अंग गतिहीन और धीरे धीरे शक्तिहीन होता चला जाता है, और जिस अंग का जितना ज्यादा यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो उतना ही ज्यादा लचकता उसमें होती है, वो शक्तिशाली बनता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, सारी शिक्षा से तत्पर्य क्या है? शरीर से जुड़ी हुई गतिविधियों का अध्ययन। ठीक है, तो इस प्रकार प्राणी गति की विज्ञान से तात्पर्य क्या हुआ? मानव शरीर से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन। अब तक आप किनेसियोलॉजी यानी प्राणी गति की विज्ञान का अर्थ भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, और प्राणी गति की विज्ञान का शारीरिक शिक्षा है, खेल में कैसे महत्व है, क्या महत्व है इसका? तो शारीरिक प्राणी गति की विज्ञान यह बताता है कि किस प्रकार की गति के लिए किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और गुरुत्व केंद्र और शक्ति का किस प्रकार प्रयोग होगा, एक खिलाड़ी कम शक्ति लगाकर अधिक कार्य किस प्रकार कर सकता है, पेशियों में उत्तेजना शक्ति कहाँ से प्राप्त और परस्पर समायोजन कैसे किया जाए, खिलाड़ियों के शरीर को मजबूत सुंदर प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है, और शारीरिक शिक्षक या कोचों को गम कौशल का ज्ञान बहुत होना बहुत आवश्यक है, उसी के आधार पर वो खिलाड़ियों को तकनीकी बता सकता है, एंड इसके द्वारा विशेष क्षेत्र के लिए अभ्यासों का चयन और मूल्यांकन, इन सब का करेक्टिव और कंडीशनिंग उद्देश्यों के लिए प्रयोग लाया जाता है किनेसियोलॉजी का। इसका उद्देश्य है कि शारीरिक ढांचे में सुधार कैसे लाया जाए, इसकी सहायता से खेल के उपकरणों के वैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक की मदद से उपकरण सुरक्षा की दृष्टि से देखकर बनाए जाते हैं, जैसे हमारी गतिविधि होगी, शरीर की गतिविधि कितना अंश में मुड़ेगा, क्या करेगा, ये सब चीज देखकर उपकरणों को बनाया जाता है। तो ये था किस चीज के बारे में, किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी के बारे में आप समझ गए कि किनेसियोलॉजी प्राणी के शरीर की गति के विषय में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि किस तरह हम प्राणी के शरीर किस प्रकार बल पैदा करके शरीर को गति प्रदान करता है। तो अब हम बात करेंगे जीव यांत्रिकी विज्ञान यानी प्राणी यांत्रिकी विज्ञान यानी बायोमैकेनिक्स के बारे में। तो बायोमैकेनिक्स यानी जो यांत्रिकी विज्ञान, जैसा कि शाब्दिक अर्थों से पता चल रहा है, जीव और यांत्रिकी, बायो और मैकेनिक्स, बायो का अर्थ जीव, मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी, यानी जीव और यंत्र, यानी जीव की गति के साथ साथ
उसके यंत्र प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों की भी गति, ठीक है। जीव यंत्र दो चीज है, इस जीव के साथ साथ उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले यंत्रों की भी गति का अध्ययन इस में किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो यांत्रिकी विज्ञान में, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिक्स का अर्थ समझ लीजिए कि मैकेनिक्स का मतलब होता है किसी वस्तु की गति, मैकेनिक्स का मतलब होता है किसी वस्तु की गति के विषय में अध्ययन, ठीक है। तो उस पर कोई बल क्रियाशील हो तब, ठीक ना, किसी वस्तु की गति के विषय पर अध्ययन जब उस पर कोई बल क्रियाशील हो, तो ये होता है मैकेनिक्स का अर्थ। तो मैकेनिक्स का अर्थ हुआ कि वस्तु की गति का अध्ययन। तो जब जो मैकेनिक्स यानी बायो मैकेनिक्स का अर्थ क्या होगा, बायो का अर्थ जीव, तो जीव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वस्तुओं की गति का अध्ययन। तो बायो मैकेनिक्स यानी प्राणी यांत्रिकी विज्ञान प्राणी तथा उसके द्वारा यानी कि बायो मैकेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा, बायो का और मैकेनिक्स का यानी जीव का और किसी वस्तु की गति का। तो क्या हुआ कि प्राणी तथा उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की गति के विषय में अध्ययन किया जाता है, यानी कि शरीर की संरचना, नाड़ी तंत्र, मांसपेशी आदि के साथ साथ भौतिक यांत्रिक विज्ञान यानी मैकेनिकल फिजिक्स के नियमों और सिद्धांतों का भी प्रयोग बायोमैकेनिक्स में किया जाता है, ठीक है। यानी किनेसियोलॉजी यानी जो प्राणी विज्ञान और जो यांत्रिकी विज्ञान, प्राणी विज्ञान और जो यांत्रिकी विज्ञान में सिर्फ यही अंतर है कि किनेसियोलॉजी में शरीर की गति के विषय में अध्ययन किया जाता है और बायोमैकेनिक्स में यानी जो यांत्रिकी में शरीर की गति के साथ साथ उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों के गति के विषय में भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अर्थात जब उस पर जब शरीर की गति के साथ साथ यंत्रों की भी गति उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों की भी गति का अध्ययन किया जाता है, तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस पर आंतरिक बल यानी मांसपेशी बल तथा बाह्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, प्रतिरोध बल, दबाव आदि कार्यरत हो, ठीक है। बायोमैकेनिक्स में क्या होता है, बाह्य बल और आंतरिक बल दोनों कार्यरत रहते हैं। तो हमारे उपकरण जैसे कि कोई चीज विरामावस्था में रहती है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति कर रही है तो गति ही करेगी, कब तक, जब तक कि जब उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल में हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, वायु प्रतिरोध, दबाव ये सब आते हैं। आंतरिक बल में हमारे शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से आंतरिक बल जब भी बात आएगा तो मांसपेशी बल की बात आएगा, तो मांसपेशी को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार जो भौतिकी शारीरिक शिक्षा का एक उप विषय है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं बायोमैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायो और मैकेनिक्स से शब्द बना है, ठीक है। बायो और मैकेनिक्स, बायो का अर्थ जीवन और मैकेनिक्स का शब्द मशीन, यानी मनुष्य के शरीर का मशीन के रूप में अध्ययन, मनुष्य के शरीर का मशीन के रूप में अध्ययन यानी शरीर की गति को प्रभावित करने वाले आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों का अध्ययन, ठीक है। यानी शरीर की गति को प्रभावित करने वाले आंतरिक तथा बाहरी शक्तियों का अध्ययन, ठीक है। बर्टलेट आर के अनुसार, बर्टलेट आर ने कहा है कि खेल कूद में मनुष्यों की गति व अध्ययन को जैव यांत्रिकी यानी बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। तो ये पूछ सकता है कि खेल कूद में मनुष्यों की गति व अध्ययन को जैव यांत्रिकी बायोमैकेनिक्स कहा जाता है, इस शब्द को किसने कहा है, इस वाक्यांश को किसने कहा है, तो बर्टलेट आर के ने कहा है, ठीक है। एंड सारी शिक्षा में खेल एवं खेल में प्राणी यांत्रिकी विज्ञान का क्या महत्व है, सबसे पहला महत्व यह है कि इसमें प्रदर्शन में सुधार होता है खेलों में, इसके ज्ञान से अच्छे उपकरण बनाए जाएंगे, अच्छे मैदान बनाए जाएंगे, खेलों के उपकरण में सुधार होगा, तकनीकी सुधार में मदद होगा, ठीक है। खेलों की तकनीकी है उन सब में सुधार होगा, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी कि किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का हमारे खेलकूद में क्या महत्व है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बस मेरा उद्देश्य था कि किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स दोनों में अंतर क्या है इसको डिफाइन करने का।
तो दोस्तों मुझे आई होप कि आपको किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।